तो मैं भी सोचने लग गया कि यार मैंने 2017 में 15 साल का लिखा ही क्यों। तो मैं सोचने लग गया कि क्यों लिखा क्यों लिखा क्यों लिखा। फिर मेरे को अचानक से क्लिक करा कि जब मैं मम्मी से पूछता था ना कि मम्मी मेरी एज क्या है, तो मम्मी कहती थी कि अभी तू 14 साल का हो जाएगा, जैसे अभी समझ लो कोई 20 साल है, जैसे मैं अब 20 साल का होने वाला हूँ, तो मम्मी कहती थी कि तू 20 साल का 5 सितंबर को हो जाएगा, उसके बाद तू 21वां तेरा चालू हो जाएगा, मतलब यू विल बी रनिंग 21 आफ्टर यू टर्न 20। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी एज लिखी तो सितंबर 5 को मेरा बर्थडे आ जाता है, तो मैं 14 साल का हो चुका था। तो मेरे को लगा अब मैं 15वां मेरा चालू हो चुका है, तो मैंने एज लिख दी थी भाई 13 साल की उम्र में। मम्मी से एज नहीं पूछोगे तो क्या तुम पड़ोसी से जाके पूछोगे, कोई तुम्हारा बगल का पैदा करके गया था, पड़ोस का बाप करके गया था, तुम छोड़ो यार क्या पर्सन जाना। 13-14 साल की उम्र में ऐसे ही होता है भाई, मैं तो मम्मी से ही पूछा था, तुम पता नहीं पड़ोसी से जाके पूछते थे कि पापा एज बता दो मेरी, तो वो मुझे नहीं पता, मैंने तो वही पूछा था। तो मैंने मम्मी से जाके पूछा कि एज क्या, तो आई वॉज रनिंग 15। सो मैंने नवंबर में 15 ईयर्स ओल्ड लिख दिया, तो उस पे लोग कह रहे हैं भाई 15 ईयर्स ओल्ड, पर उसके बाद की मतलब एक पोस्ट में मैंने 15 ईयर्स ओल्ड लिख दिया नवंबर, उसके बाद अगर मेरी सारी पोस्ट देखोगे तो उसके बाद मैंने मेरे ख्याल से सितंबर के बाद ही चेंज करा हुआ, मैंने खुद अभी तक चेक नहीं करा, तो चेक कर लेना जाके। तो वो यही था क्लियर, और कुछ था ही नहीं, फालतू चीज थी, स्टेरॉयड वाली बात की कैल्शियम क्यों ले रहे थे जब डेफिशिएंसी नहीं थी, मुझे क्या पता भाई, मुझे क्या पता, मेरे को तो साकेत के पास 280 की डेड मारने जानी थी, मैंने पूछा था मैं वीक फील कर रहा हूँ मेरे को बता दो कुछ लेना है, तो उन्होंने कहा एस्टामीन न्यूरोवॉन और क्या कहते हैं कैल्शियम ले ले, ये अगर डेफिशिएंसी होगी तो ठीक हो जाएगी, मतलब पावर आ जाएगी, जो भी आ जाएगी, मेरे को कुछ पता नहीं था। तो मैंने वैभव जो मेरी वीडियो में भी था उसको मैंने बोला, मैं कहा भाई लगा दे मेरे को तो डर लगता है, तो ना ही उससे लगी ना ही मेरे से लगी, मैंने एस्टामिन लिया हुआ है पर उस समय ना ही उससे लगी ना ही मेरे से लगी, क्योंकि वहां पर रजत भैया थे ही नहीं, उन्होंने अपने खुद वीडियो में तो नहीं बोला, उन्होंने रिकॉर्डिंग में बोला जो मैंने फोन की रिकॉर्डिंग डाली हुई है, कि मैं तो था भी नहीं वहां पे, वैभव था, तो वैभव से भी नहीं लगा ना ही मेरे से लगा, तो हमने वो लगाया नहीं, हमने फेंक ही दिया, क्योंकि हमने एक दो ट्राई करे लगाने के, वो लगी ना, फिर मुझे डर लगने लग गया था, मुझे उल्टी जैसे जीव होने लग गया था, तो मैंने कहा मैं नहीं लगा रहा, मेरे को चक्कर आ रहे हैं तो छोड़ दो। और बाकी रही टेस्ट की बात, तो नेशनल में जा रहा हूँ, अगर नाडा ने मेरा टेस्ट करा तो ठीक है, वरना मैं सोच रहा हूँ कि कॉम्पिटिशन खत्म होते ही मैं अपना पूरा ब्लड वर्क करवाने चले जाऊँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन से पहले नहीं कराऊंगा, मेरे को डर सा लगता है थोड़ा, इंजेक्शन कुछ भी हो जाए यार, तो कंपटीशन से पहले नहीं करा रहा मैं, कंपटीशन खत्म होते ही आई विल गो डू माय ब्लड टेस्ट, आई विल बी पीक ऑफ माय स्ट्रेंथ, मतलब मेरी स्ट्रेंथ के मैं पीक पे हूँ, फिजिक भी मेरी पीक पे है, तो स्टेरॉइड भी तो पीक पे ले रहा हूँ मैं, तो जाके मैं टेस्ट करा लूंगा जिस जिसको भी है। बाकी फालतू की मतलब कुछ भी सेंस नहीं बन रहा टॉपिक का, छोड़ो अभी मैं लाइव पे ज्यादा बोल नहीं रहा, बाकी मेरे को जाना है, जिसमें रिकॉर्ड कर लीजिए पोस्ट कर देना, सी यू इन नेशनल्स।